Hello guys, welcome back to my channel, and today I'm gonna tell you my night skincare routine. And this is for all of the girls here, and boys bhi isko zarur dekh sakte hain. Kyun? Kyunki makeup ke baad bhi kuch hum logo skin ka dhyan rakhna hota hai uske liye. So without wasting any time, let's get started. So guys, देखिए सबसे पहले तो मेकअप रिमूव करने के लिए हमको मेकअप वाइप्स की जरूरत है. आई विल यूज दिस काया मेकअप वाइप्स, एवरीडे क्लेंजिंग वाइप्स. इट हैज सेट ऑफ 30 वाइप्स एंड इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 120 रुपीज या 120 ओनली. बट आई गॉट इट ऑन डिस्काउंट फ्रॉम नायका ओनली. सो गाइज, सिर्फ जो वाइप्स है उससे हमारे मेकअप रिमूव नहीं होता है. मेकअप रिमूव करने के लिए हमको जैसे कि ये थे जिद्दी लिपस्टिक है मेरी मेबलिन की, सो जाने के लिए हमको क्या जरूरत है, मेकअप. दिस इज द मेकअप रिमूवर आई यूज, गार्नियर का मेकअप रिमूवर, बेस्ट मेकअप रिमूवर. एंड इसका प्राइस तो आप लोगों को पता ही होगा, 175. इसको अच्छे से ओपन कर लेंगे. ओपन Take it like this. Put some cleansing water on it. Okay, and just put it on the face like this. Oh my God. मैंने ज्यादा मेकअप यूज नहीं किया है, आप देख सकते हैं फाउंडेशन इसमें ज्यादा नहीं आया है, सिर्फ कंसीलर और आई शेडो आया है. अभी तो हम अच्छे से इसको यूज कर लेंगे. सो गाइस, एज यू गाइस कैन सी, मैंने सारा मेकअप ना रिमूव कर लिया है, बट आपको नहीं पता अभी भी मेरे फेस पे मेकअप होगा पोर्स के अंदर. और लोग है ना यही मेकअप लगा के सो जाते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू शुड बेटर यूज क्लेंजर. दिस इज काया क्लेंजर. सो कोई जब आप क्लेंजर यूज कर सकते हैं और अपने फेस को अच्छे से अंदर तक पानी से धुल धुल के क्लेंजर से क्लीन करिए, तभी सारा मेकअप अच्छे से. सो गाइज, मैंने क्लेंजर से अपना पूरा फेस अच्छे से वॉश कर लिया है. यू गाइज कैन सी कितना ज्यादा ग्लोइंग फ्रेशनेस वाला फेस हो गया है मेरा. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टोनर. क्यों टोनर क्यों यूज होता है? बिकॉज गाइस, जैसे कि हमारा पूरा जैसे क्लींजर से पूरा पोर्स से पूरा मेकअप निकल गया, पोर्स अब खाली हो गए, अब फिर इसमें धूल आ सकती है, गंदगी आ सकती है, जैसे पिंपल्स हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है. इसलिए हम उन पोर्स को अच्छे से फिल आउट करने के लिए प्रॉपर तरीके से हम एक टोनर का यूज करते हैं. दिस इज कायाज टोनर. This is 200 ml toner, daily pore minimizing toner, which is alcohol free. So अभी हम इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्दर हम डिस्कस नहीं करेंगे. विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू, नॉट वेट बट ड्राई टिश्यू, और विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन यू कैन पुट सम टोनर ऑन इट लाइक दिस. जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टोनर, 1, 2, 3, या 4, इनफ. सो विद द हेल्प ऑफ इट just put it like that on your face and let it dry for few seconds or for a minute. So the next thing which I'll use is under eye cream, which is very important. This is Aroma Magic under eye gel, and this is for rupees almost 200 195. एंड गाइज, अंडर आई जेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी आंखों के नीचे की जो ये स्किन होती है ना, ये बहुत ही पतली सी होती है, और अगर हम इसको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो ये ड्राई होकर झुरिया झुरिया सी हो जाएंगी, खराब हो जाएगी. सो गाइज, अगर आपको अपना अंडर आई एरिया मेंटेन करना है तो यू शुड डेफिनेटली यूज अ अंडर आई क्रीम. बस इस तरह से आप इसको ले लो इस वाले फिंगर में, एंड इस वाले फिंगर में लेने के बाद, रिंग फिंगर में लेने के बाद, दोनों रिंग फिंगर में आप इसको डाल दो like this and put it like this. And you are done. Let it dry for 30 seconds. So the next step is putting like a good face cream, because हमने अभी पूरा अच्छे से moisturize नहीं किया है, just pores पे किए हैं moisturization.
चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, जरूरी है. ऑयली स्किन के लिए थोड़ा अलग काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर होता है. मैं यूज करती हूँ काया एवरीडे एसेंशियल्स का फेस क्रीम, विच इज वेरी गुड. ज्यादा नहीं लेना है आपको, देखिए अंदर से इस तरह का है, थोड़ा सा आपको फिंगर से ले लेना है. जस्ट पुट इट, अब बस अच्छे से इसको पूरे फेस पे बिठा लेना है. एंड ऑलवेज बी जेंटल टू योर स्किन गाइस, ऑलवेज बी जेंटल. यू कैन सी हाउ मॉइस्चराइज्ड एंड शाइनी स्किन. The last step is a lip balm. I'm using this baby lips lip balm. And you are done. And then I'll sleep. और गाइस रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करा करिए, नहीं तो फिर इस सब का कोई फायदा नहीं है. Yes, perfect. This was my night skincare routine. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा. Thank you.